नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12 के यूपी बोर्ड के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का। मैंने ऑलरेडी इसका ट्रांसलेशन कर दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अब मैं इसे एक एक सेंटेंस हिंदी में पढ़कर आपके सामने ट्रांसलेट करने की कोशिश करूंगा। प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे, तो मुंशी प्रेमचंद बाज थे एक ग्रेट महान ऑथर या राइटर, लेखक या साहित्यकार। उनका जन्म ही वाज बॉर्न एक साधारण परिवार में इन एन ऑर्डिनरी फैमिली एंड और एक छोटे गांव में हुआ इन ए स्मॉल विलेज। फिर भी वे पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे, येट तो भी ही वाज वे थे फेमस माने प्रसिद्ध ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था, तो ही हैड उनका था अ ग्रेट कमांड, कमांड का मतलब यहां पर अधिकार, ओवर बोथ दोनों हिंदी एंड उर्दू लैंग्वेजेस भाषाओं पर। उपन्यास तथा कहानियां लिखने में वे कुशल थे, तो ही वाज एक्सपर्ट मींस कुशल इन में राइटिंग लिखने में नॉवेल्स उपन्यास एंड स्टोरीज और कहानियां। उनके उपन्यासों में हिज नॉवेल्स भारतीय समाज का सजीव चित्रण मिलता है, रिफ्लेक्ट द ट्रू पिक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। उनके उपन्यास भारतीय समाज की सच्ची तस्वीर रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि दूसरों को दर्शाते हैं। उनकी पुस्तकों का संसार की अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हुआ है, तो हिज बुक्स उनकी पुस्तकें हैव बीन ट्रांसलेटेड अनुवादित हुई हैं इन द मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस, ज्यादातर भाषाओं में ऑफ द वर्ल्ड, संसार की। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है, तो ही इज कंसिडर्ड भी लिख सकते हैं या ही इज नोन, वो जाने जाते हैं एज द एम्परर सम्राट या फिर किंग ऑफ नॉवेलिस्ट्स उपन्यासकारों के। वे एक सफल और लोकप्रिय शिक्षक थे, तो ही वाज वे थे ए सक्सेसफुल एक सफल एंड पॉपुलर माने लोकप्रिय टीचर माने अध्यापक या शिक्षक। कम पढ़े लिखे लोग इवन नॉट वेरी हाईली एजुकेटेड पीपल, जो बहुत ज़्यादा शिक्षित भी नहीं थे, रीड हिज बुक्स उनकी पुस्तकों को पढ़ते थे विद इंटरेस्ट रुचि के साथ। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपना सबसे पसंदीदा इंग्लिश एजुकेशनल चैनल संजीव गोस्वामी। लॉट्स ऑफ लव।